हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इन वन में। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम। इससे पहले हम अपनी दो वीडियोस में इजारेदारी प्रथा और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम रैयतवाड़ी सिस्टम और महारवाड़ी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रैयत का क्या मतलब है। रैयत का मतलब यहाँ पर किसान वर्ग से है। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुंड्रो ने और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। थॉमस मुंड्रो का जो टाइम पीरियड था मद्रास के गवर्नर का 1820 टू 1827 तक था। 1820 में ये भारत में मद्रास के गवर्नर बनकर आए, तभी इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब इस व्यवस्था को लागू कहाँ कहाँ किया गया था। इस व्यवस्था को जो है मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश में, यूपी, उत्तर प्रदेश के आगरा में, पंजाब में और मुंबई में लागू किया गया था। गौरतलब है कि उस टाइम पर तीन प्रेसिडेंसीज होती थी। बंगाल सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी मानी जाती थी, मुंबई और मद्रास। ठीक है, बंगाल सबसे ज़्यादा बड़ी प्रेसिडेंसी वहाँ पर मानी जाती थी उस टाइम पर। तो मुंबई में भी इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और मुंबई में गवर्नर एल्फिंस्टन, जिनका टाइम पीरियड था 1819 टू 1827 तक, उन्होंने इस व्यवस्था को शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इनका उद्देश्य क्या था रैयतवाड़ी सिस्टम को शुरू करने का। अगर हम देखें कि इजारेदारी प्रथा और स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा में जमींदारों का बोलाबाला था, यानी कि जमींदार धीरे धीरे अमीर हो चले थे, उनका लोभ ज़्यादा बढ़ता चला गया था। तो इसीलिए रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर सरकार ने जो है बिचौलियों के वर्ग को समाप्त करना उनका उद्देश्य था, एक मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि अब वो सरकार से भी ज़्यादा मतलब धनी हो चले थे कि उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था कि जो वो 10/11 भाग गवर्नमेंट को देते थे लेकिन 1/11 वो खुद रखते थे। तो उनका लोभ ज़्यादा बढ़ता चला गया, वो बहुत लोभी हो गए थे और अधिक शक्तिशाली भी हो गए थे। तो इसीलिए सरकार ने जो है उन बिचौलियों को, जमींदारों के वर्ग को समाप्त करने के लिए रैयतवाड़ी सिस्टम का शुरुआत की गई थी। अब मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, दैट इज़ कि रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर 51% भूमि आई, यानी कि 51% जो एरिया था रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर ये आया। अब रैयतवाड़ी सिस्टम में सरकार और किसानों के बीच डायरेक्ट बातचीत होने लगी, मतलब सरकार और किसानों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था इस सिस्टम के अंदर, रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर। अब जो कुछ भी थे वो किसान ही थे, किसान ही जो है अपना कर, जो लगान वसूली उनको ब्रिटिशर्स को देनी होती थी, वो अपना टाइम टू टाइम देते थे। अगर ऐसा नहीं करते, मतलब अगर वो टाइम टू टाइम कर नहीं देते थे ब्रिटिशर्स को, तो उनको जो है अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ जाता था। यानी कि जो वो भूमि के परमानेंट मालिक बन गए थे, उनसे उनकी भूमि जो है वो छीन ली जाती थी। सो अब नेक्स्ट है महारवाड़ी प्रथा, यानी कि महारवाड़ी पद्धति या महारवाड़ी सिस्टम आप बोल लीजिए। इसको जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स इसके जन्मदाता थे, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ओके, और इसका जो यूज़ महारवाड़ी सिस्टम जो लागू की गई थी पद्धति, वो मध्य प्रांत में लागू की गई थी, यूपी में लागू की गई थी, पंजाब में लागू की गई थी। साथ के साथ जैसे पंजाब में उस टाइम पर गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, मालवा में अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। तो ऐसे में मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो उपनिवेशीकरण हम बोलते हैं, उनका पूरा कम्प्लीटली डिपेंड ही भारतीय कृषि पर था। क्योंकि उस टाइम पर कच्चा माल हमारा भारत से जाता था ब्रिटेन में, ठीक है, और वहाँ पर वो मशीनरी से जो माल वगैरह बनाते थे फिर वो अपना यहाँ पर बेचने के लिए भारत लेकर आते थे। लेकिन जो कच्चा माल था वो भारत से ही जाता था ब्रिटेन का, और भारत जो है उनके कच्चे माल की पूर्ति करता था। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भारत में जिस टाइम ब्रिटिश शासन था और जिस टाइम पर 1813 का चार्टर एक्ट था, तो उस चार्टर एक्ट में मतलब जो है कंपनी के कुछ अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में तो मतलब कंपनी का जो पूरा अधिकार था वो पूरा बंद कर दिया गया कि अब यहाँ पर इंडिया में ब्रिटेन का कोई भी व्यापारी वर्ग आकर अपना जो है काम धाम शुरू कर सकता है, ट्रेड करना वो शुरू कर सकता है।
ठीक है, तो वो एक बहुत ज़्यादा कालांतर काल रहा है भारत के लिए ब्रिटिश शासन में 1813 चार्टर एक्ट के बाद, कि उस टाइम पर कंपनी को सिर्फ दो तीन अधिकार ही थे, जैसे कि चाय बागान खेती और चीन से जो ट्रेड होता था वो कंपनी ही करती थी 1813 के चार्टर एक्ट में, बाकी जो दरवाजे थे वो व्यापारी वर्ग के लिए खोल दिए गए थे। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी बहुत करप्ट भी होने लगी थी, तो इसी को देखते हुए अब कंपनी के जितने भी अधिकार थे वो एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, ट्रेड मोनोपोलीज वो ख़त्म कर दी गई, अबलिश कर दी गई थी। तो बाद में जो ब्रिटेन का कोई भी व्यापारी वर्ग इंडिया में आकर अब व्यापार करने लगा था, तो उसी के अनुसार भारत में जो है औद्योगिक कृषि होने लगी थी कि क्या क्या ज़रूरत ब्रिटेन में कच्चे माल की पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद भारत में जो है मतलब भारत ब्रिटेन की लूटपाट का शिकार होता चला गया। ओके, अब इस व्यवस्था का प्रबंध, अब इसका नाम तो है महलवाड़ी, है ना। अब महल का मतलब क्या होता है? महल का मतलब होता है कि किसी भी गांव का प्रधान है या किसी भी गांव का महल है, मुखिया जी हैं, ठीक है, या जमींदार हैं, मतलब जो लोग पूरे गांव को जो है अपना प्रमुख होने का दावा करते थे, जो पूरे गांव की जिम्मेवारियां अपने ऊपर लेते थे, जैसे आज के टाइम में सरपंच होता है, तो उस टाइम पर मुखिया जी होते थे या महल होते थे जो कि पूरे महल के प्रमुख होने का खुद दावा करते थे। सो अब हम बात करेंगे कि इससे भी किसानों को लाभ हुआ या इसमें भी नुकसान ही हुआ, और ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश कंपनी को क्या महलवाड़ी से लाभ हुआ। कोर्स इसमें महलवाड़ी सिस्टम के अंदर ओके, अब हम आपको बताएंगे कि महल का मतलब क्या होता है। महल का मतलब होता है कि जो पूरे गांव का मुखिया अपने आप को समझता है, जो पूरे गांव की जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनका मुखिया अपने आप को समझता है, ठीक है। लाइक प्रधान लगा लीजिए, सरपंच, आज के टाइम में तो गांव के मुखिया सरपंच कहलाते हैं, तो उस टाइम पर महल हुआ करते थे जो पूरे गांव की जिम्मेदारी अपने सिर पर लिया करते थे। तो इस व्यवस्था में भी वैसे तो किसानों को तो कोई लाभ ही नहीं हुआ, सो उस टाइम पर भी लाभ तो किसी को ही नहीं हुआ, बल्कि किसानों की दुर्दशा जो है और भी ज़्यादा बुरी होती चली गई। इसमें जो इस महलवाड़ी पद्धति के, इस महलवाड़ी सिस्टम के जो प्रमुख दोष थे, यानी कि जो लिमिटेशंस थी, जो नुकसान किसानों को हुए, वो ये थे कि सरकार किसानों के बीच में जो प्रत्यक्ष रूप से तालमेल था वो बिल्कुल समाप्त होता चला गया था, क्योंकि अब फिर से इन सरकार और किसानों के बीच में बिचौलिया वर्ग आ गया था जिसको महल नाम दिया गया, जिसके कारण भारतीय कृषक वर्ग जो है कंगाल होने लगा और भारतीय कृषि जो है बर्बाद हो गई, बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। तो इसमें भारतीय कृषि को बर्बाद करने के लिए उस टाइम पर बिचौलियों का बहुत बड़ा हाथ रहा, जो खुद तो मतलब इतना ज़्यादा धन कमा कमा के आगे बढ़ते चले गए, लेकिन किसानों की तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और सरकार ने तो देना ही क्यों था, उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी वो अपने ही फ़ायदे के लिए सोचती थी, उनको कोई मतलब ही नहीं होता था कि हमारे अलावा किसी और का फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा, बस उनको फ़ायदा होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि इतना तो उनको भी फ़ायदा नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं उनको अपनी कंपनी की जो दर वृद्धि थी उनमें उनको फ़ायदा होने लगा, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा किसानों की तरह ब्रिटिश कंपनी को इतना नुकसान नहीं हुआ, भले ही इसमें बिचौलिए जो थे, महल जो थे वो बहुत शक्तिशाली होते गए थे। तो महल के जो मुखिया या प्रधान होते थे उनको अधिक से अधिक शक्तिशाली बना दिया गया था इस महलवाड़ी सिस्टम में, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर जमींदारों को बहुत शक्तिशाली बनाया गया था, वैसे ही अब इसमें बिचौले बनकर कौन आए थे, महल आए थे, तो अब वो भी जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। सो इसी का ही मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए ही, बिचौलियों को भी देखते हुए, किसानों की दशा बहुत बुरी हो गई थी और उनको जो है भयंकर अकाल का सामना भी करना पड़ता था। स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था और इजारेदारी प्रथा थी, तब भी किसानों को भयंकर काल का सामना करना पड़ा था। लेकिन 1866 टू 1867 तक 19th सेंचुरी में ओडिशा में एक ऐसा भयंकर अकाल आया जिसे हम आपदा के महासागर के नाम से भी जानते हैं। आपदा का महासागर जो है 19वीं शताब्दी में आए उड़ीसा में भयंकर अकाल को जाना जाता है। तो ये आपदा का जो महासागर है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जब किसानों की उस टाइम तक भी कोई भी उनकी दशा में अच्छे सुधार नहीं किए गए थे, तब तक भी उनको लूटा जा रहा था, और बल्कि
1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट के बाद तो किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत बुरी होती चली गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन ने जो है व्यापारिक वर्ग को और भी मौका दे दिया था कि अब वो कितना चाहें अपनी मर्जी से यहाँ पर किसी भी फील्ड में आकर वो अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो किसानों की जो किसान जो खेती करते थे वो उन्हीं चीज़ों की खेती करते थे जहाँ ब्रिटेन में उनकी मांग, कच्चे माल की मांग जो है सबसे ज़्यादा होती थी। तो इसीलिए किसानों को इन किसी भी लैंड टेन्योर सिस्टम्स का कोई भी फ़ायदा नहीं मिला था। तो इसीलिए इसी के चलते किसानों ने बहुत आंदोलन किए थे जो कि 1857 टू 1947 तक ये चलते रहे थे। उनके बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे नील आंदोलन, आपने नाम सुना होगा, नील की खेती बहुत होती थी इंडिया में, पावना विद्रोह, ठीक है, और इनकी जो दुर्बलताएं थीं या इनके दक्कन विद्रोह के बारे में इन्होंने, मतलब इनके प्रमुख जो कारण थे विद्रोह करने के वो क्या थे। 19th सेंचुरी में भी बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए, 20वीं शताब्दी में भी कृषक आंदोलन बहुत हुए थे, जैसे जिनमें से मोपला विद्रोह को बहुत बड़ा विद्रोह माना जाता है, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। तो ऐसे में भी 1930-40 के दशक में भी किसानों के आंदोलन हुए हैं, और अब तक अगर हम माने तो किसानों की जो स्थिति थी वो पहले से ज़्यादा तो सुधार किए गए हैं किसानों की स्थिति में, लेकिन अब भी इतने ज़्यादा सुधार नहीं हुए हैं जितने ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। आप किसी न किसी स्टेट में आप खबरें देख सकते हैं किसानों से रिलेटेड। तो इसी के चलते अब हम कंप्लीट करेंगे कि 1857 टू 1947 तक कृषक आंदोलन कौन कौन से हुए थे और वो कौन से सेंचुरी में हुए थे। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।